स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स मोती बाजार मंडी, सोने से चमकाएं अपनी खूबसूरती। क्या हिमाचल के मंडी जिला में आया कोविड-19 वायरस का स्ट्रेन ज्यादा शक्तिशाली है? क्या बाकी हिमाचल में आए कोरोना वायरस से ज्यादा घातक है मंडी में आया कोरोना वायरस? क्या सिर्फ 10 से 15 मिनट इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से हो रहा कोरोना? ये सब बातें जो हमने आपको बताई ये हवा हवाई नहीं है, क्योंकि मंडी जिला में आया कोरोना वायरस का स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा भयानक है। इस बात की पुष्टि प्रशासन ने भी कर दी है। जो लोग अभी भी कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं, उन्हें ये जान लेना होगा कि मंडी में आया वायरस बहुत ही पावरफुल है। खुद मंडी जिला प्रशासन ने पूरे विश्लेषण के बाद इस थ्योरी के ऊपर अपनी मुहर लगाई है। अभी पिछले कल मंडी जिला में एक ही दिन में 26 मामले सामने आए थे और आज खबर लिखे जाने तक 15 मामले सामने आ चुके हैं। मंडी जिला प्रशासन ने विश्लेषण में पाया है कि मौजूदा वायरस के फैलने की रफ्तार काफी तेज है और किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाला इसकी चपेट में मिनटों में आ जाता है। इस विश्लेषण में पहले संक्रमित हो चुके लोगों के ऊपर अध्ययन किया गया और इस बात का पता चला कि पहले जो लोग संक्रमित हुए हैं उनका वायरस उस तेजी से आगे नहीं फैला जो मौजूदा वायरस फैल रहा है। मौजूदा समय में जो वायरस आया है वह बहुत तेजी के साथ फैलता है। यदि आप सिर्फ 15 मिनट के लिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं तो आपका संक्रमित होना भी तय है। यही कारण है कि जो मामले जिला में आ रहे हैं वो इस पावरफुल वायरस का ही परिणाम है। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने खुद इसकी पुष्टि की है। क्या कहना है उनका, आइए आप खुद ही सुन लें। ये भी एनालिसिस में हमारा आया है कि ये वायरस जो अभी फैला हुआ है, विशेषता 3 लोग पहले हमारे पॉजिटिव आए थे और उसके बाद अब ये बाकी सब लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं, ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का वायरस है, थोड़ा पावरफुल वायरस है जिससे कि संक्रमण की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। इसको देखते हुए प्रिलिमिनरी तौर पर जो अधिकारी भी थे जिन्होंने शिमला में भी मीटिंग अटेंड की थी, उन्होंने भी सब टेस्ट करवाए और उसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं। जहां तक सर्च की बात है, प्रशासन की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, सबकी पूरी तैयारी है कि इस तरह की सर्च हम पहले भी एंटिसिपेट करते आ रहे हैं कि जब भी ऐसा सर्च आएगा तो हमारी कैपेबिलिटी क्या रहेगी, किस तरह से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और हमारा रिस्पॉन्स कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स बिल्कुल तरीके से तैयार है। और इस तरह के सर्च अगर आगे भी आते हैं तो हम सभी सर्च को निपटने के लिए सक्षम है, तैयार है। सावधानी ही बचाव है, प्रशासन ने भी ये बात स्पष्ट की है। जो लोग सावधानी बरत रहे हैं और सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं उनका ये पावरफुल वायरस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि लोग मास्क सही तरीके से इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें तो वे संक्रमण से बच सकते हैं। सिर्फ यही एक तरीका है इस महामारी से बचने का। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।